आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सेवैया उपमा। इसको वम्पसिली उपमा भी बोला जाता है। ये रेसिपी बहुत ही इजी है, जल्दी से देख लेते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले एक पैन में ऑयल गरम करेंगे और वम्पसिली को थोड़ा रोस्ट कर लेंगे, स्लो फ्लेम पे इसको रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने से ना इसका एक नटी सा फ्लेवर आता है जो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। उसके बाद एक पैन में पानी गरम करेंगे और उस वम्पसिली को इसमें डालकर बॉईल कर लेंगे। मैंने इसमें सॉल्ट भी डाला था, वो शूट नहीं हुआ, तो आप इसमें सॉल्ट भी ऐड कर लेना। वम्पसिली को 80% ही कुक करना है, ज्यादा कुक नहीं करना है। इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल लेंगे। उसी पैन में थोड़ा सा और तेल ऐड करेंगे। इसमें डालेंगे थोड़े से मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई, थोड़े से करी लीव्स, थोड़े से मूंगफली के दाने। हल्का सा रोस्ट कर लेंगे इनको। अब जाएगा इसमें कटा हुआ प्याज, इसको भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, ज्यादा कुक नहीं करना है। अब डालेंगे इसमें थोड़े से काजू, कटा हुआ गाजर, थोड़े से कैप्सिकम, थोड़े से बीन्स। इन सबको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। अब ऐड करेंगे थोड़े से हरे मटर, ये मैंने फ्रोजन वाले लिए हैं, आप चाहे तो फ्रेश भी ले सकते हैं। स्लिट ग्रीन चिली, अब जाएगा इसमें थोड़ी सी हल्दी, स्वाद अनुसार नमक। याद रखें कि हमने बॉईल करते समय भी नमक डाला था, तो ध्यान से नमक डालें। अब हल्का सा पानी डालेंगे ताकि सब कुछ अच्छे से मिल जाए। अब ढककर इसको 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। अब डाल देंगे इसमें बॉइल्ड वर्मसिली और सेवैया, अच्छे से मिक्स कर ले। इसको भी 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। अब लास्ट में डालेंगे हाफ लेमन जूस, मिला ले अच्छे से इसको। अब ये आपका वर्मसिली उपमा और सेवई उपमा बनके रेडी है। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और टेस्टी भी होता है, तो आप ब्रेकफास्ट में भी इसको बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।